तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो जो कल नाइट थी ना यूएफए चैंपियंस लीग की, बहुत शानदार नाइट थी और सरप्राइज से भरी हुई थी। मैंने कल थोड़ा बहुत दो मैच देखे तो दोनों ही सरप्राइज मैच हुए। पहला मैच हुआ ऑस्टन विया का, ऑस्टन विया ने एक तरह से सरप्राइज दे दिया बायर्न म्यूनिख को, और दूसरा मैच लिल ने सरप्राइज दे दिया बिल्कुल रियल मैड्रिड को। ये तो सबसे ज़्यादा शौक करता। तो पहले मैच की बात करते हैं, ऑस्टन विया और बायर्न म्यूनिख की। तो मैं बता दूं, ये दोनों टीमें ना अपने अपने जो लीग्स में हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर ऑस्टन विया की बात करें तो टॉप फोर में बनी है ऑस्टन विया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है अपने प्रीमियर लीग में। वहीं अगर बायर्न म्यूनिख की बात करें, बायर्न म्यूनिख पूरी अपने टॉप पर चल रही है अपने टेबल्स में, और जो विंसेंट कंपनी के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। तभी ये थोड़ा सा मैच ना बहुत क्लोज मैच होने वाला था। मैं सोच रहा था, अगर प्रेडिक्शन की बात करूँ तो मैं सोच रहा था कि बायर्न म्यूनिख 2-1 या 2-0 से जीतेगी, क्योंकि पिछला मैच वो जो था डायनमो ज़ैग्रेब जो क्रोएशियन क्लब है उसको 9 गोल मारे थे, 9-2 से जीती थी। तो उसका मैं आइडिया लगा रहा था, लेकिन मैं ऑस्टन विया को बहुत टफ क्लब मानता हूँ। फॉर्म भी उनकी अच्छी चल रही है उनके, और उनके मैनेजर उनाई उमरी, तो क्या कहना उनके बारे में, तो बहुत तगड़े हैं वो। तो मैं प्रेडिक्शन लगा रहा था 2-0 की, लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा हुआ और 1-0 से बैंगर शॉकर दे दिया बायर्न म्यूनिख को। तो बात करते हैं ऑस्टन विया की। ऑस्टन विया के जो हेड कोच हैं या फिर जो मैनेजर हैं उनाई एमरी, एक तरीके से बायर्न म्यूनिख के लिए वो श्रापित कह सकते हैं वो है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जब वो पीएसजी के भी थे तब भी चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख को उन्होंने हराया था। विया के भी जो वो मैनेजर है तब भी उन्होंने बायर्न म्यूनिख को हराया था, और इस बार भी उन्होंने बायर्न म्यूनिख को एक चपेड़ मार कर हरा दिया। भाई उनकी स्ट्रैटेजी बहुत तगड़ी थी, लो ब्लॉक खेलो जब चांस मिलेगा, क्योंकि बायर्न म्यूनिख बहुत हाई इंटेंसिटी से खेलती है, हाई लाइन खेलती है, बहुत अटैक के खेलती है, और जब भी उनको चांस मिला, एक चांस मिला और वहीं पर उन्होंने गोल मार दिया। मैं स्टैट्स में आपको दिखाता हूं क्या कुछ हुआ। स्टैट्स की अगर बात करेंगे तो आप देखोगे ना कि शॉट्स जो 17 मारे उन्होंने बायर्न म्यूनिख में, सिर्फ 5 मारे ऑस्टन विया ने, और शॉट्स ऑन टारगेट 7 मारे इन्होंने बायर्न म्यूनिख ने, और सिर्फ 2 मारे ऑस्टन विया ने, और 2 ऐसे मारे कि मैच को जीत के ले गए। पोजेशन की बात करें तो 70% पोजेशन बायर्न का था और 30% उनका था, ऑस्टन का था। लेकिन अगर कॉर्नर्स की बात करें तो 11 कॉर्नर मिले बायर्न म्यूनिख को और सिर्फ 1 कॉर्नर मिला ऑस्टन विया को। तो आप देख सकते हो कॉर्नर में कितना तगड़ा अटैक कर रही थी, हाई लाइन आ रही थी बायर्न म्यूनिख, लेकिन डिफेंस स्ट्रक्चर इतना तगड़ा था ऑस्टन विया को कि एक भी कॉर्नर उनको उन्होंने गोल में कंसीड नहीं करने दिया। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ऑस्टन विया है अपने अपने ग्राउंड, होम ग्राउंड विला पार्क में खेल रही थी। पूरे 41 साल बाद चैंपियंस लीग में उन्होंने कम बैक किया था। इससे पहले उन्होंने एक और कॉइंसिडेंस है, इससे पहले उन्होंने 1982 में चैंपियंस लीग जीती थी ऑस्टन विया ने, और वो भी उसमें भी उसमें बायर्न म्यूनिख को 1-0 से हराया था। तो ये कॉइंसिडेंस बहुत ही मिलता जुलता है। तो मैच शुरू होता है, बायर्न म्यूनिख अटैक करती है और 5वें मिनट में ही बहुत तगड़ा अटैक करती है बायर्न म्यूनिख। एक क्रॉस आता है हैरी केन के पास, लेकिन भाई एमिलो मार्टिनेस उसको एक लात से, लेफ्ट लेग से उसको सेव कर लेते हैं। बहुत तगड़ा सेव है एमी मार्टिनेस का, और भी उन्होंने सेव करे, मैं और भी बताता हूँ फिर आगे आपको। फिर 14वें मिनट में एक वॉटकिंस जो ऑस्टन विया है उसको भी क्रॉस मिला, लेकिन वो क्रॉस में कन्वर्ट नहीं कर पाए ऑस्टन विया के जो प्लेयर थे वॉटकिंस। फिर एक और चांस मिला था, लेकिन फिर दोबारा से ऑस्टन जो थे वो ऑस्टन विया के गोलकीपर एमी मार्टिनस ने बहुत तगड़ा भाई सेव किया। लियोरे सियोने का सियोने ने लेफ्ट फुटेड शॉट मारा और बहुत ही अच्छी 1-handed रोका उन्होंने एमिलो मार्टिनेस ने, इतना तगड़ा रोका ना कि बात ही छोड़ दो। और यही फ़ायदा उठाया था इन्होंने ऑस्टन विया ने। मैं बताना चाहूँगी कि 38वें मिनट में भी सेम शॉट लियोरे सानी का आया, लेकिन फिर उन्होंने एमी मार्टिनेस ने बचा दिया। और मेन बात ये हुई ना कि आप कहते हो कि छोटी टीम को कम नहीं आंकना चाहिए, और वैसे ही हुआ। और एक चांस मिला 72वें मिनट में, सब्स्टिट्यूट आए जॉन डुआर्म, कोलंबिया के स्ट्राइकर हैं 20 साल के, एक चांस मिला उनको, हाई लाइन खेलती है बायर्न म्यूनिख, एक चांस मिला और क्या बैंगर शॉट मिला। और मैनुअल नॉयर इतने एक्सपीरियंस गोलकीपर है तो उनको रोकना चाहिए था ये गोल, लेकिन फिर भी गोल रोक नहीं सके, और जॉन डुआर्म ने एक टच में नेट में गोल मार दिया और 1-0 से आगे होगी 72वें मिनट में। फिर वहां से तो वापसी की आशा ही नहीं रही बायर्न म्यूनिख को, क्योंकि डिफेंस स्ट्रक्चर इतना तगड़ा था उनका। लेकिन मैं इनसे भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हूँ, आपके जो फॉरवर्ड हैं साने, सर्जियो गाबी हैं और हैरी केन है, इन्होंने बिल्कुल ही बेकार परफॉर्मेंस किया। सिर्फ मूसियाला ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन मूसियाला का साथ किसी ने नहीं दिया। अगर हम बात करेंगे गोलकीपर की, जो मेरे टॉप परफॉर्मर रहे पूरे दिन के, एमिलो मार्टिनस, भाई एमिलो मार्टिनस
क्या गोलकीपर है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, इंटरनेशनल टूर्नामेंट की बात करें, तो अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं, आपको पता ही ऑब्वियसली है, लेकिन ये एज ए इंटरनेशनल फुटबॉलर गोलकीपर सबसे बढ़िया गोलकीपर है दुनिया के। लेकिन अगर आप क्लब में बात करो तो इतना नाम इनका आता नहीं गया। आप नाम किसके गिनाओगे? तो आप कोर्तुआ के गिनाओगे, एडरसन हो गया, एलिसन हो गया, डोनारूमा के गिनाते हो, डेविड राय भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन अगर क्लब लेवल की बात करें तो मार्टिनेस का नाम ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि सिर्फ वो ऑस्टन विया के साथ ही जुड़े हुए हैं। पहले आर्सेनल के थे, लेकिन फिर वो ट्रांसफर हो गए, ऑस्टन विया ने आ गए। लेकिन ऑस्टन विया ने कोई ज़्यादा ट्रॉफीज नहीं जीती अपने एज ए क्लब लेवल में, इसलिए उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो छुप जाती है, अंडर रेटेड हो जाती है। लेकिन ये वाली परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल भी छुपाने वाली नहीं है, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस किया उनका, और उन्हीं की वजह से 1-0 से ऑस्टन विया अपने विला पार्क में हिस्ट्री क्रिएट कर पाई। आप देखोगे 41 साल बाद वही सीन हुआ, वही स्कोर लाइन हुई, वही अपोनेंट बायर म्यूनिख 1-0 की स्कोर लाइन। तो 1-0 से ऑस्टन विया ने शॉक दे दिया है बायर म्यूनिख को। अब देखते हैं आगे कौन सी परफॉर्मेंस, क्या क्या होगा इस UCL में। और जो है टॉप पे चल रही है ऑस्टन विया इस चैंपियंस लीग में, 2-2 मैच जीत गई है अपने, और क्या पता चैंपियंस लीग की विनर यही बन जाए। और प्रीमियर लीग में भी बहुत तगड़ा कर रही है, कुछ बड़ा करके जाएगी इस साल, इस सीज़न में ऑस्टन विया। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।